हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस लाइव मैथमेटिक्स लेक्चर। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर डेफिनिट इंटीग्रल्स एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। एक्सरसाइज 7.11 एग्जाम्पल नंबर 19। हेलो डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 19। सो दैट फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेर फंक्शन इफ f एंड g आर डिफाइंड एज f of x is equal to f of a minus x and g of x plus g of a minus x is equal to 4. First of all, we will take LHS from 0 to a f of x into g of x dx. Now, by using property number 4, from 0 to a, x is replaced by a minus x, f of a minus x into g of a minus x dx. But we know very well, f of a minus x is equal to f of x. 0 to a, f of x into g of x. See, from this condition, g of a minus x is equal to 4 minus g of x dx. Clear, dear friends? Okay. Now, from 0 to a, f of x multiply with 4 into minus f of x multiply with gx dx. Make them separate by using separate limits. From 0 to a, 4 into f of x dx minus integration from 0 to a f of x into g of x dx. If we consider left hand side as I, so here we get same term, like as I. Clear? So we write here I is equal to 4 from 0 to a f of x dx minus I. Therefore, 2i is equal to 4 from 0 to a f of x dx. And finally, I is equal to 4 upon 2 means 2 from 0 to a f of x dx. And this is our target right hand side. Clear? Ek baar phir se dekh lijiye dosto. Pata kaise chala? To basically, jab bhi koi rules nahi aata hai, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 या प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम अप्लाई कर सकते हैं टू मेक इट सिंपलेस्ट। तो दोस्तों, इस तरह से 7.11 यहां पर कंप्लीट है। मिसेलिनियस में वो हम बाद में देखेंगे। हाँ, डेफिनिट इंटीग्रल्स वाले क्वेश्चंस हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में इनडेफिनिट में जाएंगे। तो दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 44, आई इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स। यहां पर हमें एक्स अलग से ए दिखाई देता है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग द प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3, एक्स इज रिप्लेस बाय ए पाई माइनस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स। लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई
पाई माइनस एक्स यदि कॉस में लेते हैं तो इट रिप्रेजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर कॉस इज नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर स्क्वेयर है तो ये हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव. सो वी राइट इट एज ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स. अब यहाँ पर न्यूमरेटर में दो टर्म है तो दोनों को हम सेपरेट करेंगे विथ सेपरेट लिमिट्स. ठीक है दोस्तों. ओके, सो वी कैन राइट हियर 0 टू पाई पाई डी एक्स अपन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स. क्लियर दोस्तों. माइनस लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स एंड दैट इज आई. आप देख रहे हैं कि ये हमें फिर से क्या मिला, आई मिला है ना. तो मान लीजिए ये आई है तो इसे लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर टू आई मिलेगा. टू आई इज इक्वल टू पाई जीरो टू पाई डी एक्स अपन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स. देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेशियल मेथड है, लेकिन उससे पहले ये जो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान दीजिएगा. व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 6? प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/a² cos² x प्लस b² sin² x. नाउ x इज रिप्लेस बाय, देखिए ये लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं. यदि x के बदले लो अपर लिमिट माइनस x लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स. ओके, सो इट इज ऑल्सो बी ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स एंड दैट इज एफ ऑफ एक्स. यदि ये दोनों सेम है तो 2i इज इक्वल टू पाई. दिस फंक्शन कैन रिटर्न एज 2 टाइम्स एंड हाफ लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 dx अपन a स्क्वेयर cos स्क्वेयर x प्लस b स्क्वेयर sin स्क्वेयर x. क्लियर? हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं? ओके, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं. यहां से 2 कैंसल, देयर फोर आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. रिमेंबर इट्स अ स्पेशियल केस, ऐसा यदि इंटीग्रेंड है आपके पास में तो हम यहां से कॉस स्क्वेयर एक्स को कॉमन लेंगे. क्या कॉमन लेंगे भाई, रिमेंबर इट, क्या कॉमन लेंगे, या कॉस स्क्वेयर एक्स कॉमन लेंगे. तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम कॉस स्क्वेयर एक्स यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर ए स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर के पास कॉस स्क्वेयर नहीं है तो हमें डिवाइड करना होगा. तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स. जब भी आपको टेन दिखाई देता है तो सेक दिखाई देना चाहिए. तो यहां पर देखिए तो 1/cos है तो न्यूमरेटर में जाकर के ये होगा sec स्क्वायर एक्स. रिमेंबर, तो आपको याद रखना है नॉट दिस पॉइंट. यदि इंटीग्रेशन में ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, दोस्तों इनके जगह पे कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है लेकिन वेरिएबल तो ये दोनों ही होने चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो कॉस स्क्वेयर एक्स कॉमन लेंगे एंड 10x ऑर्डर लेंगे. लेट 10x इज इक्वल टू t, और 10x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. देखिए पूरा एडजस्ट हो जाएगा. अब लिमिट भी चेंज करेंगे, इफ t इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहां पर 0 डालेंगे तो tan 0 x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो t हमें मिलेगा 0. यदि हमें x लेते हैं पाई बाई 2 तो t इज इक्वल टू यहां पर रखना होगा पाई बाई 2, सो 10 पाई बाई 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. क्लियर दोस्तों.
So new integrand write as I is equal to pi from 0 to infinity, 0 to infinity dt upon a square plus b square t square. Once again dosto, pi into from 0 to infinity dt upon, clear. अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो सकता है, पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी डी टी अपन ए स्क्वायर प्लस बी टी होल स्क्वायर, ये हो गया वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला. चलो इसका आंसर क्या होगा, तो वन अपन ए, ए मीन्स ए, इन टू टेन इनवर्स एक्स अपन ए मीन्स बी टी अपन ए लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. दोस्तों क्लियर. अब देखिए t का जो कोएफिशिएंट है वो b रह ना जाए, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करना है. पाई अपन ए बी तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट ही है. नाउ t इज रिप्लेस बाय अपर लिमिट, तो इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स मीन्स जीरो, तो जीरो ही रहेगा. पाई अपन ए बी बट टेन इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स पाई बाई टू. सो फाइनली आंसर इज पाई स्क्वेयर अपन टू ए बी. ठीक है दोस्तों, एकदम से क्लियर. आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह देख ले. ओके दोस्तों, सेम काइंड का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7 में देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 32, नॉट एग्जैक्टली सेम, लाइटली टू सेम. फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स. आप देख रहे हैं यहाँ पर x मौजूद है, सो x इज रिप्लेस बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू टेन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स. पाई माइनस एक्स रिप्रेजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर टेन सेक दोनों ही नेगेटिव, सो इट इज माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स. यहाँ से ये माइनस साइन हम कॉमन लेंगे, ऑल साइन विल कैंसल एंड विल बिकम पॉजिटिव, सो पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे. अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को, ये पूरा जो टर्म है, वन टाइम मल्टीप्लाई विथ पाई एंड दी अदर टाइम्स मल्टीप्लाई विथ एक्स एंड मेक देम सेपरेट. सो इंटीग्रेशन कैन बी रिटर्न एज फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू सॉरी पाई इंटू टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस 10x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x इंटू 10x डिवाइड बाय sec x प्लस 10x dx. आप इसे भली भांति जानते हैं, कि ये जो टर्म है क्या जानते हैं,
that is I from equation number 1. So I is equal to pi integration from 0 to pi. यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप sec माइनस टेन को रैशनलाइज करें या तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, टेन एक्स अपन sec x प्लस टेन एक्स को रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई विथ sec x माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई sec x माइनस टेन एक्स डी एक्स माइनस आई, या तो फिर इसे साइन कॉस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, नाउ इट बिकम टू आई, क्योंकि आई चला गया लेफ्ट साइड में, पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई, टेन इंटू सेक टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इट बिकम sec square x माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वी नो वेरी वेल ये होगी वैल्यू 1 बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसके बदले हम क्या ले सकते हैं, टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस, इसके बदले हम ले सकते हैं sec square x माइनस 1 डी एक्स। डिवीजन में तो क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। क्लियर, अब सबका लेना है इंटीग्रेशन। चलो यहां तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों, ओके। अब ध्यान से देखिए, नाउ टू आई इज इक्वल टू पाई, सबसे पहला जो टर्म है टेन इंटू सेक, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, माइनस दूसरा टर्म है सेक स्क्वायर एक्स जिसका इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, एंड अगेन दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स एंड लिमिट फ्रॉम जीरो टू पाई। नाउ पाई इंटू सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई माइनस सेक जीरो माइनस टेन जीरो प्लस जीरो, टेन पाई ऑलरेडी जीरो, टेन जीरो जीरो, सेक पाई मीन्स माइनस वन प्लस पाई माइनस वन, सो रिजल्ट इज पाई इंटू पाई माइनस टू, टू आई इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू पाई माइनस टू, इट्स अ रिजल्ट। दोस्तों क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं, चलो क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर है ना, मेरे ख्याल से आप इसे अच्छी तरह समझ गए हैं। देखिए सबसे पहले आपको हिंट ये लेनी है कि हम कौन सी मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 की ओर। इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई टू टू पाई ई रेस टू एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स अपन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए जब भी हमें ई रेस टू एक्स दिखाई देता है तो हम इस फंक्शन को याद करते हैं, e रेस टू x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसमें एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होना, डेरिवेटिव होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट होगा e रेस टू x इंटू एफ ऑफ x, समझ रहे हैं आप। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पाई बाई टू से लेकर के पाई e रेस टू x रखेंगे एज इट इज, वन माइनस कॉस एक्स की फॉर्मूला है टू साइन स्क्वायर x बाई टू। अब हम यहाँ पर यदि x बाई टू है तो इसे भी x बाई टू में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन की फॉर्मूला है टू इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, अब दोनों को सेपरेट करेंगे e रेस टू x, क्योंकि हमें दो टर्म चाहिए कि नहीं, दो टर्म चाहिए, सो वन अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस
टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। यहाँ से टू कैंसल, वन टाइम साइन वाला टर्म कैंसल रहेगा। फ्रॉम पाई बाई टू टू पाई ई रेज टू एक्स वन बाई टू इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ये क्या होगा तो कॉट एक्स बाई टू डी एक्स, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होगा कॉट। अब हमें ये पहचानना है कि इन दोनों में से एफ एक्स कौन होगा, तो इसे हम लेट एज्यूम करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाई टू, माइनस ही एज्यूम करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स का, एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन होगा वन बाई टू। सो इट इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई टू एंड ऑलरेडी वी हैव एफ डैस एक्स। सो रिजल्ट इज व्हाट, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई रिज टू एक्स इंटू एफ एक्स मीन्स माइनस कॉट एक्स बाई टू एंड लिमिट टेकन फ्रॉम पाई बाई टू टू पाई। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से। नाउ एक्स इज रिप्लेस बाय पाई ई रेज टू पाई इंटू कॉट पाई बाई टू, फिर माइनस करेंगे है ना, माइनस ई रेज टू पाई बाई टू इंटू कॉट पाई बाई टू बाई टू मतलब पाई बाई फोर। कोट पाई बाई टू जीरो होने के कारण ये सब कुछ जीरो, माइनस माइनस प्लस, ई रेज टू पाई बाई टू इंटू कोट पाई बाई फोर इज वन, सो आंसर इज ई रेज टू पाई बाई टू। चलिए दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आंसर रहेगा ई रेज टू पाई बाई टू। चलिए दोस्तों, क्लियर, यहां तक सब कुछ क्लियर, वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26, चलो ध्यान से देखिए। जीरो टू लिमिट पाई बाई फोर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस रेज टू फोर एक्स प्लस साइन रेज टू फोर एक्स डी एक्स। तो एक बात तय है, साइन इंटू कॉस लाना है तो या तो हम साइन स्क्वायर ऑर्डर ले सकते हैं या तो हम कॉस स्क्वायर ऑर्डर ले सकते हैं। दोनों की जब पसंदगी करने की बात आए तो हम साइन को ही ऑर्डर लेंगे। सबसे पहले हम टर्म को बैलेंस करेंगे, जीरो टू पाई बाई फोर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस रेज टू फोर का मतलब होगा कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एंड दिस कॉस स्क्वायर रिप्लेस बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। लेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर लिया है, साइन नहीं लिया है। इस टाइप के टर्म एक स्पेशियल केसेस है, ये आपको याद ही रखने के, ऐसे टर्म में हमें ऐसा ही करना है, ठीक है। चलिए टू इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स का होगा डेल्टा कॉस एक्स इंटू एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वी डू नॉट रिक्वायर टू, सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू डी टी। जब वेरिएबल चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज करेंगे। इफ एक्स यदि लेते हैं जीरो तो टी साइन जीरो जीरो ही रहेगा, यदि हम x लेते हैं पाई बाई फोर तो साइन पाई बाई फोर होगा वन बाई रूट टू जिसका स्क्वायर होगा वन बाई टू।
अब दोस्तों लिमिट क्या होगी, न्यू इंटीग्रेशन कैसा होगा, फ्रॉम जीरो टू वन बाई टू, न्यूमरेटर क्या रहेगा, ओनली डी टी बाई टू, और डिवीजन में क्या रहेगा, तो वन माइनस टी होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम जीरो टू वन बाई टू डी टी, इसे हम एक्सपांड करेंगे, तो वन माइनस टू टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, जीरो टू वन बाई टू डी टी, टू को हम आगे ही रखेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मीन्स टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन। शायद आप पहचान गए होंगे कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसे परफेक्ट स्क्वायरिंग टर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से इस टू को कॉमन लेंगे, तो टू इंटू टू फोर, जीरो टू वन बाई टू डी टी अपन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन बाई टू। क्लियर, अब देखिए लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म डिवाइड बाय फोर इंटू फर्स्ट टर्म, तो ये होगा वन बाई फोर। सो आई इज इक्वल टू वन बाई फोर लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन बाई टू डी टी, टी स्क्वायर माइनस टी, वन बाई फोर एड किया है ऐसा माइनस करना है, प्लस वन बाई टू, ये है परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम रहेगा 4, तो 2 माइनस 1 मीन्स 0 टू 1 बाई टू डी टी, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, इसे हम साथ में रखेंगे, इसे अलग रखेंगे, तो 1 बाई 4 डी टी डिवाइड बाई टी माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। क्या आप समझ रहे हैं, अब इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो वन अपॉन ए, ए मीन्स व्हाट, तो वन बाई टू, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टी माइनस वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, एंड टेकन लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन बाय टू। चलो यहां तक क्लियर दोस्तों, टू टू जा फोर, तो वन बाई टू, टेन इनवर्स टू टी माइनस वन, लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन बाई टू, क्योंकि टू एलसीएम लेंगे, आफ्टर एलसीएम टू टू कैंसल, नाउ टी इज रिप्लेस बाय, नाउ टी इज रिप्लेस बाय वन बाई टू एंड जीरो, देयरफॉर आई इज इक्वल टू वन बाई टू, टेन इनवर्स टू इंटू वन बाई टू माइनस वन, माइनस टेन इनवर्स जीरो माइनस वन, ये कैंसल, वन माइनस वन जीरो, टेन इनवर्स जीरो मीन्स जीरो, माइनस कॉमन प्लस टेन इनवर्स वन, बट टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू पाई बाई फोर, सो आंसर इज पाई अपन एट, ये होगा डेफिनेट इंटीग्रल्स। दोस्तों एक बार फिर से एग्जाम्पल को देख लीजिए,
चलिए दोस्तों, नाउ एग्जाम्पल नंबर 27, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos²x/4 sin²x dx। देखो यदि ये उल्टा होता तो हम सेपरेट डिवीजन करके आगे बढ़ते, है ना, लेकिन यहाँ पर हम सेपरेट डिवीजन नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, तो cos² का मतलब होगा cos into cos। सो फ्रॉम 0 to π/2 cos x into cos x। क्लियर, डिवीजन में क्या है, cos²x है। प्लस, अच्छा ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं, यहां पर हम साइन या कॉस ऑर्डर नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये थ्योरम भी हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कोएफिशिएंट जो है वो अलग है दोनों फंक्शन में। ये कर सकते हैं कि हम cos²x यहां से कॉमन ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। चलो तो ऐसा ही करेंगे, तो प्रोग्राम थोड़ा चेंज करेंगे इसे। चलिए दोस्तों, डिवीजन में से हम cos²x को कॉमन लेंगे तो 1 + 4 यहां पर क्या होगा, tan²x dx। ये कैंसल, फ्रॉम 0 to π/2 dx/1 + 4 tan²x इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे हम। देखिए हमें पता ही है कि जब tan दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए, यदि tan दिखाई देता है तो tan ही ऑर्डर लेना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट tan x = t। तो tan x का डेरिवेटिव होगा sec²x dx = dt। लेकिन यहां पर sec²x दिखाई देता नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो sec² का मतलब क्या होगा, 1 + tan²x होगा कि नहीं, dx = dt। सो dx = dt/1 + tan²x। लेकिन यदि हमने यहां पर वेरिएबल चेंज किया है तो इस राइट साइड पे टी वाला फंक्शन ही आना चाहिए, तो tan x = तो टी हमने एज्यूम किया है तो यहां पर हम टी ले सकते हैं, तो t² आएगा, तो ये हम कह सकते हैं। ओके, अब लिमिट चेंज करना चाहेंगे तो इफ यदि हम x 0 लेते हैं तो टी भी कम 0, क्योंकि यहां पर 0 ऐड करेंगे तो टी 0 हो जाएगा। यदि हम x π/2 लेते हैं तो t बिकम इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो न्यू इंटीग्रल बिकम फ्रॉम 0 to ∞ 1/1 + 4t² ध्यान दीजिएगा, 1/1 + 4t² dx के बदले आएगा dt/1 + t². चलिए दोस्तों, हो गया क्लियर। अब हमारे पास में दो रास्ते हैं, बाय
पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बाय दो मेथड है दोस्तों। पहली मेथड क्या यूज करेंगे हम कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वो हम यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड वो क्या है अरेंजिंग मेथड, अरेंजिंग डिनोमिनेटर इन अ न्यूमरेटर टू बैलेंस द टर्म। तो ध्यान से देखिए हम इस मेथड में जाएंगे नहीं, हम अरेंज ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर t की पावर दोनों में सेम है इसीलिए। अब ये हमें सोचना होगा कि इन दोनों को हम कैसे यूज करें, तो पहले हम ये टर्म ले लेंगे 1 प्लस टी स्क्वेयर, फिर बाद में ये लेंगे 1 प्लस 4 टी स्क्वेयर। देखिए हमें t तो चाहिए नहीं यहाँ पर, तो माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर 4 टी स्क्वेयर तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए हो जाएगा 4 माइनस 1 तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर 3 है नहीं तो हमें 3 से डिवाइड करना होगा। 1 प्लस 4 टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर। चलिए दोस्तों इतना क्लियर, ओके। दोनों का हम सेपरेट डिवीजन लेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाई 3 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 4 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 अपन ये कैंसिल होगा, 1 प्लस 4 टी स्क्वेयर रहेगा डी टी, माइनस 1 बाई 3 ऑलरेडी है और यहाँ पर होगा 1 प्लस 4 टी ये कैंसिल होगा तो 1 अपन 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी। क्लियर, तो यहाँ से हम या तो फिर 4 कॉमन ले सकते हैं या तो फिर इसे हम 2t लिमिट होगी यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी 2t कह सकते हैं। तो ये हो गया 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। चलो 4 बाई 3 1 अपन ए, ए मीन्स 1, टेन इनवर्स x मीन्स 2t अपन 1, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x का जो कोएफिशिएंट मतलब t का कोएफिशिएंट 2 वो हमें डिवाइड करना होगा, माइनस 1 बाई 3 इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स t लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब 2 टू जा 4 तो ये वैल्यू होगी 2 बाई 3 टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0 माइनस 1 बाई 3 टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0 तो 0 ही रहेगा। टेन इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स पाई बाई 2, ये 0 ये भी पाई बाई 2, देयरफॉर 2 बाई 3 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 3 इंटू पाई बाई 2। डिवीजन में 6 ही एलसीएम रहेगा सो 2 पाई माइनस पाई होगा पाई अपन 6। क्लियर दोस्तों, तो आंसर रहेगा पाई अपन 6। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 28 एंड एग्जाम्पल नंबर 30। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट साइन 2x dx। यहां पर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 9 प्लस 16 साइन 2x dx। यहाँ पर लिमिट है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, यहाँ पर लिमिट है फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। दोस्तों ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होना ही चाहिए और डिवीजन में साइन 2x ही होना चाहिए। हाँ, उसके अगल बगल में यदि कोई कोएफिशिएंट है तो यही मेथड चलेगी, यदि यहाँ पर कोई वेरिएबल है तो इस मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में सेम मेथड है लेकिन आगे जाकर के आपको यहाँ पर नया टर्म मिलेगा, तो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है ना। ओके, अब हमें यहां पर ऑर्डर क्या लेना है, हम ऑर्डर लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। देखिए हम उल्टा ही ऑर्डर लिया, स्पेशल ऑर्डर है ये, जैसे स्पेशल टी आती है कि नहीं भाई, वो स्पेशल ऑर्डर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, कॉस का होगा माइनस साइन, और दोनों का कॉमन एक्स का होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हो गया बैलेंस दोस्तों ये। अब हमें ये बैलेंस करना है साइन टू एक्स कैसे आएगा, तो देखिए नाउ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का हम स्क्वायर करेंगे, तो इस साइड टी का भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होगी वन, ये वैल्यू क्या होगी, तो साइन टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देयर फॉर वन माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू एक्स। क्या आप समझ रहे हैं एकदम से क्लियर, तो साइन टू एक्स के बदले हम क्या लेंगे वन माइनस टी स्क्वायर। हो गया बैलेंस। यहां पर हमें क्या करना है, साइन टू एक्स की जगह पे हमें ले लेना है वन माइनस टी स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करना है। ओके, लिमिट चेंज करेंगे, इफ यदि हम एक्स लेते हैं पाई बाई सिक्स तो हमें टी क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए यहां पर रखते हैं पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स का मतलब 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 कितना होगा 1 बाई टू होगा, यहां पर यदि हम लेंगे पाई बाई सिक्स तो ये वैल्यू क्या होगी रूट थ्री बाई टू होगी, तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस रूट थ्री अपन टू। यदि हम एक्स लेते हैं पाई बाई थ्री तो टी क्या होगा, पाई बाई थ्री लेते हैं तो साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, तो रूट थ्री माइनस वन बाई टू रहेगा। एकदम क्लियर। चलिए दोस्तों अब लिमिट क्या रहेगी ध्यान से देखिए, वन माइनस रूट थ्री अपन टू वन, सॉरी माइनस कॉमन निकाल के रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट थ्री माइनस वन बाई टू, आप समझ रहे हैं ना, माइनस ए टू ए लिमिट हम ट्राई करना चाहते हैं यहाँ पर, डी टी डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वेयर। जब ऐसी लिमिट आती है तो हम क्या पहचानते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो स्क्वेयर वाला टर्म है तो ऑलवेज बी इवन, यदि इवन है तो टू टाइम्स हाफ लिमिट फ्रॉम जीरो टू थ्री माइनस वन बाई टू डी टी अपन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वेयर। क्लियर दोस्तों, रीजन लिखेंगे बिकॉज एफ इज एन इवन फंक्शन। ओके, इसका इंटीग्रेशन होगा, सॉरी साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स टी लिमिट फ्रॉम जीरो टू रूट थ्री माइनस वन बाई टू, सो अवर आंसर इज टू इंटू साइन इनवर्स टी इज रिप्लेस बाय रूट थ्री माइनस वन बाई टू माइनस साइन इनवर्स जीरो विच इज जीरो, सो फाइनली आंसर इज टू इंटू साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपन टू, ये होगा रिजल्ट। चलिए क्लियर दोस्तों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्थिर रहे, प्रैक्टिस करते रहे, है ना। थैंक यू वेरी मच।